नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप ईईपी यानी कि ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हाईटेक डिजिटल ईईपी कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में चले जाना है और सर्च बार में आपको टाइप करनी है इस प्रकार से voters.eci.gov.in और ये टाइप करके आपको सर्च कर देनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, राइट साइड में आपको सर्विसेज करके दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। जैसे ही आप नीचे करके आते हैं तो देखिए, सबसे नीचे में आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है ईईपिक डाउनलोड। नीचे में कहा जा रहा है गेट डिजिटल वर्जन ऑफ यूर इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां पर देखिए कहा जा रहा है लॉग इन, डू नॉट हैव एन अकाउंट, साइन अप। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, और यदि आपका अकाउंट बना हुआ है तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर ला करके यहाँ पर नीचे में आपको पासवर्ड फिल कर देनी है। जो आपने साइन अप करते समय जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है वह पासवर्ड आपको डालनी है, और नीचे में आपको यहाँ पर जो हरा कलर में कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको हूबहू फिल कर देनी है। तो यानी कि यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर फिल करनी है, यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है, नीचे में आपको कैप्चा कोड फिल कर देनी है। इतना चीज करने के बाद आपको ये रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चल जाता है, आपके सामने इस प्रकार से आइकन दिखाई पड़ जाता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देखिए, हमारी स्क्रीन पर ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वेरीफाई एंड लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। किसी कारणवश यदि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो नीचे में देखिए आपको कहा जा रहा है रिसेंड ओटीपी इन, तो यहाँ पर आपको रिसेंड ओटीपी के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप फिर से नए ओटीपी के रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। उसके बाद फिर से आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल के बाद फिर से आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और फिर से आपको ये ईईपिक डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ईईपिक पे फिर से डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने इस बार नया वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ईपिक कार्ड आई हैव, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपके पास ईपिक नंबर है तो आपको ईपिक नंबर वाले ऑप्शन को चयन करना है, अथवा आपको फॉर्म रेफरेंस नंबर को चयन करना है। चलिए, हमने ईपिक नंबर वाला ऑप्शन चयन कर लिया। उसके बाद कहा जा रहा है इंटर ईपिक नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी का नंबर फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको अपना राज्य चयन कर लेना जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर आपको ये सर्च आइकन पर क्लिक कर देनी है। तो इस प्रकार से पूरी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई। जैसे ही हम ईपिक नंबर और स्टेट चयन करने के बाद सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। ईपिक नंबर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है, जैसे कि आपका नाम, रिलेटिव का नाम, स्टेट, एसी का नाम, मोबाइल नंबर, आपको दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज़ आइडेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरीफिकेशन, नीचे में कहा जा रहा है कि नोट ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी जाएगा। तो फिर से आपको ये क्या करनी है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जैसे कि देखिए, हमारे मामले में ओटीपी आ चुका है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। अब फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओटीपी वेरीफिकेशन डन सक्सेसफुली, उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है कि आपको डाउनलोड ईईपिक। तो जैसे ही आप डाउनलोड ईईपिक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंग्रेचुलेशन यूर ईपिक ईईपिक फॉर ईपिक नंबर हैज बीन सक्सेसफुली जनरेट, प्लीज सेव योर कॉपी ऑफ ईईपिक फॉर फ्यूचर यूज, और कहा जा रहा है कि डोंट शेयर दिस विद अदर्स टू अवॉइड मिस यूज। उसके बाद चलिए, हमने डाउनलोड कर लिया। अब चलिए डाउनलोड को आपके सामने ओपन करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आपके सामने एक हाई टेक आपको
ईईपी कार्ड आपको दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से, जिसमें आपका बार कोड वगैरह सब आपको दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से। और नीचे में साथ इसका अगर आप आते तो यहाँ पे आपको मतदाता पहचान संख्या आपको दिखाई पड़ जाता है, मतदाता क्रमांक आपको दिखाई पड़ जाता है, आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या और नाम भी दिखाई पड़ जाता है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाती है। साथियों यह जो क्रमांक है वो आपका लेटेस्ट है, जिसका उपयोग आप अभी वर्तमान में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जो है आप ईईपी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।